लेकिन सुषमा आप लोगों ने अब चीज के ध्यान रखने की इन भागवत में श्रीमद भागवत तत्व को महत्व हुए, एक भगवान कृष्ण का नाम अनंत को भी महत्व हुए और परमात्मा सभी भक्त लोगों ने व्यास के जीवन का शुरू कर बोला। 128वीं भागवत कथा है हमारी यहाँ मारा जीवन रही और मीरा नगर अपने मीरा को लड़े में आज की कथा में शुरू करूं। उन्होंने पहले मैं आप लोगों ने एक छोटी सी बात कहूं, ये चीज ने ध्यान में सुन लो। अगर आप कोई भी आदमी ने जी जगह माते आवश्यकता है, जी जगह माते चारा की आवश्यकता है, जी जगह माते आवश्यकता है कि ई जगह माते अपने देवनो उचित है, बी जगह माते वो दान पुन अपन लोग देवाला न कि मारे वास्ते या माने कटे कोई पर्सनली कोई गौशाला में ले जाओ, इन प्रकार का कोई भी उद्देश्य नहीं। क्योंकि आप लोगों ने ध्यान में रहना चाहिए, कई बार हुआ कि भाई महाराज आया गायन नाम बड़ी कथा करी और फिर पेमेंट ले गया, तो मैं आपने पहले से बता दूं कि हम ना हमारे खुदरे गाय ना हमारे खुदरे गौशाला ना कटे कोई गौशालों कनेक्शन, मैं सिर्फ गाय हूँ जुड़ियोड़ो हूँ आपकी कॉलोनी में कथा करी यार बाद में अटे शरणं प्रपद्ये अबार अपने आरती करनी है और बाद में फिर बोलूंगा पड़े ना। तो देखो उठे जालामंडा निवासी है और जालामंडा निवासी ने इन चीजों एक ऐसा सुनो चीज है, हमारो भी पंखो बंद कर दे जो भाई हो लगे हो वो, तो एक ऐसा सुनो चीज है आप ही सब भक्त लोगों ने के सजना तावड़र में इंसान एक 15-20 मिनट आधो घंटो पैदल हले है, या छोटा बच्चा को कंट्रोल करो, तावड़ा में इंसान घंटो आधो घंटो पैदल जिन टाइम हले तो बिल्कुल तो तावड़ो लगे बिने कितो तावड़ो लगे। अब आर आप लोग कुंभेश्वर महादेव मंदिर हूं रवाना वेर आया और अपा ज्यादा ज्यादा एक घंटो शोभा यात्रा मुश्किल हुई वेला एक घंटो पैदल हालिया, लेकिन एक घंटा में हो सके कोई रे पानी हाथे आयो कोई रे नहीं आयो, कार्यकर्ता कोशिश करी कोई मार्ग में पिए बोला, लेकिन एक घंटो आप लोग पैदल हालिया जो को सब पसीना रा गाण गाण वेगा। अगर आपारे घर में देखो मैं भी सक्षम हूं आप लोग भी सक्षम हो, अपारे घर में ये लीरिया लागोड़ा बढ़िया मकान है, केयान घर में एयर कंडीशन लागोड़ा है, केयान घर में कूलर लागोड़ा है, घर घर में रसोईयान में ये भी लागोड़ा है, कई कई यान थारे पर जो है अटे मीरा नगर वाला तो बाथरूम में भी पंखा लागोड़ा। भाई जी आपने जो को पुष्प माला रहा, जो को पुष्प है नी ए फिलहाल मत फेंको तोड़ तोड़न, एने मैं कहूं उन टाइम सब पुष्पाण डिगलो कर लो जो पर थाने पुष्पाणी होले खिलाए देवा ठीक है नी, जो अपार फिलहाल थान कंधे राखो क्योंकि एक एक जनो तोड़न फेंको नहीं धर्म डिस्टर्बेंस हो गए। मैं आपने कुछ कह नहीं चाहूं जो को बेन सुनो के थारे घर में लीरिया मीडिया मकान है कि नहीं है, और अटारी जो को जाला मंडी कॉलोनी है मैं तो सब थे तो यूं ही है जो को बोरिया बड़ी ओढ़ के कॉलोनी हो कोई थाने ध्यान नहीं जाए, तो परमात्मा की कृपा है आपारे घर में देखो एयर एसी भी लागोड़ा है, कूलर भी लागोड़ा है, पंखा भी लागोड़ा है, आप एक घंटो पैदल हालिया हाँ और एक घंटो पैदल हालियान बावजूद आप पसीना गान गान वेगा अट आया जो को डीलर फूका देवनी हरू लेगी विया कि नहीं विया। तो आपने अगर पसीनो वे सके, अगर आपने पानी की व्यवस्था भी यार बावजूद भी अगर आपने थोड़ी सी तकलीफ दे सके तो आप जगह ने माँ कहवा नहीं हिंदू धर्म रे कहवा के आप हिंदू सनातन संस्कृति का लोग हाँ और गाय अपनी माता है। एक घंटा रो एहसास और अबार पंखा नहीं है जो को एहसास पंखा अबार लगा दे वाला अठारह व्यवस्थापक बच्चा बड़ा मजबूत है अपार के वहां दो घंटा में लगा दे, पर मैं इनके रोक एक घंटा रोक दे तू पंखा पच लगाई जाए
मैं आप लोगों ने एक छोटी सी बात कहनी चाहूं कि तप जो को शब्द वे अपन जो को तावड़ो शब्द है वो अपन कितो लागो। अगर सजना थाने एक घंटो 15-20 मिनट घरों आया हो, रोटी जी मर आया हो, ठंड लाई मु आया हो और एक घंटो पैदल हालिया हो, उन्हें बावजूद अगर थाने इतो तपियो है तो बाजकी गौ माता है। हड़करे माते आपा केवा तो बिने माँ हा के आ अपनी गौ माता है और बा हड़करे माते कोतलियां खाउती फिरे, बा हड़करे माते भूखी मेरे हड़करे माते लोगा होटा खाउती फिरे, बा जकी गौ माता 12 घंटा तो कहीं कोनी सामरा ठंड अंधारो पड़िया पछे कहीं तो ठंड वे जाती वेला, लेकिन ई तावड़र में जकी बा गौ माता तावड़र में फिरे, गर्मी में तावड़म फिरे, जन एक मिनक ने इतो तावड़ो लागे तो आ गौ माता है कहीं इन तावड़ो नहीं लागे, कहीं इन गाय ने है जो को धोपरो एहसास नहीं वेवे। ओ एहसास आपा लोगों ने करो ने वास्ते के आपा ने एहसास वेनो चीजे के दुख है जकने दुख नो वेर पाके जकने पीड़ वेवे। गौशाला में ये एड़ी एड़ी 500 सैकड़ों गौशाला है, एड़ी मैं तो मारे जीवन में कोई 500 नहीं, महीना में 5-5, 10-10, 15-15 गौशाला में जावा, जटे गायन ने गौशाला में फाटक में ताला में बांध दियोड़ी तो जरूर है, लेकिन ऊपर रहो ने वास्ते बेनकन छिया तक व्यवस्था नहीं है, डंगरी बेनकन खेलिया नहीं है, बेनकन डंगरे है जो को ठाणा नहीं है, बेनकन डंगरो कोई है जो को गायन इंजेक्शन दे उन्हें वास्ते कोई अड़गड़ो बनेड़ो नहीं है, कटे चारों लाऊ ने वास्ते ट्रॉली नहीं है तो कटे ट्रैक्टर नहीं है, कटे डंगरो पानी में देखा तो कीड़ा किल भी ले पूछा जन जान के वैसा कहीं करा जन के वैसा कहीं करा। 200 गाया है, 5 आदमी और परिवार जो को आदमी पाले बिन महीना 20,000 खर्चो है, मैं 200 गाया ने 300 गाया ने पाला जो को लोगन को लालाई मांग मांग जोले फैला फैला नान करा जो को मान तो हालत खराब हो जावे, लेकिन गौ सेवा में मैं पार नहीं पाओ। आपा हिंदू समाज रा लोग अपनी संस्कृति है और अपनी संस्कृति रो अपनो व्यक्तिगत रूप धर्म बने के अपन गाय री सेवा वास्ते कुछ करो। अब गाय री सेवा वास्ते दो चीजा है, या तो हाचा मनु गाय री सेवा करो या गायन नाम रो पाखंड करो या गायन नाम रो दुरुपयोग करो गायन नाम रो भागवता है कथा में कर और बेनो बिजनेस करो बेनो व्यापार करो, दो चीज हम बची हुई। तो मैं आप लोगों ने एक चीज बतानी चाहूं, मैं आपने कहनी चाहूं, जालामन निवासियों ने मीरा नगर निवासियों आड़ पाड़े कॉलोनी और जितना भी निवासी आप लोग आया हो, मैं ज्यादातर कॉलोनी का नाम नहीं जानू, लेकिन आप सब जोधपुर राज अलमन राज सब निवासी हो, आप लोग गौ माता रा सभी भक्तों, मैं आप लोगों ने एक निवेदन करने चाहूं कि मारो उद्देश्य देखो भागवत कथा तो आप चलती रहे जालामन में, आपने जालामन में माँ श्रीया दे धाम में भी कथा होती रहे, आड़ पाड़े कॉलोनी में कथा होती रहे, भागवत कथा हरि अनंत सी कथा अनंता भगवान की कथा चलती मारे पाली भी चलती मारे बाद में भी कथा चले, लेकिन मैं आपने अठे कोई दूजो संदेश देने वास्ते भागवत कथा ले रहा हूँ, न कि मैं भागवत कथा शुरू करूँ उन पहली मैं खुद ही वचना में बन जाया करूँ और मैं आप लोगों ने निवेदन करूँ कि अब आप देखो ये जजमान लोग जो को पूजा करी ना ए जो को पूजा पाठ करी ये जजमान लोग भी हमारी व्यासपीठ माते कोई 200-300-400 रुपया चढ़ा दिया, मैं आप लोगों ने एक निवेदन करूँ कि जजमाना करूँ मैं रोज चढ़वाऊँ मैंने डेली आवश्यकता पड़े पैसा रोज चढ़वाऊँ, लेकिन मैं आपने जो की चीज कहनी चाहूँ जो कहने चीज ध्यान रख जो कि मारी व्यासपीठ माते अगर एक जजमान नी दो जजमान नी पांच नी 50 जजमान आ जाए रोज रो अगर 1,00,000 रुपया आ जाए चाहे 100 रुपया आ जाए मेरी व्यासपीठ पे आए हुआ पैसा कभी भी मेरी जेब में नहीं जाता है, आपके सामने हाथों हाथ ये गौ माता की पेटी में जाएगा क्योंकि मैं अपनी व्यासपीठ पे पैसा लेता ही। हाँ गायर वास्ते ले मैं, आप जजमान आवे तो जरूर कहूँ मैं कि जजमान लोग देव हो 250 रुपया चढ़ो ताकि गौ माता वास्ते कुछ जावे, लेकिन ये पैया हमार हाथों हाथ ही गौ माता की पेटी में जाए। मारी व्यासपीठ माते मैं 7 दिन तक आपने कनाटे भागवत कथा करूं जीते मारा मंच माते किन्हीं भी प्रकार लो कोई भी न मैंने गया ने निमित्रा दान की आवश्यकता है और न ही मैंने पर्सनली खुदरे वास्ते पेट भरने आवश्यकता है क्योंकि रोटी मैं सुबह खा रहे हूं और शाम की व्यवस्था परमात्मा अपने आप कर दे। भागवत कथाकार दिन में एक टाइम रोटी खाओ मैं 3 टाइम खाऊ क्योंकि भूखो रहे और गाय भूख नहीं मेट सको, इन वास्ते मैं तो खुद दापोड़े हूँ और गाया ने भी है जो को दपाऊ की कोशिश करूँ कि गौ माता थर वास्ते घर छोड़ने बाहर निकले हूँ तो थने भूखी नहीं मरन दो जब तक मारी सांस में सांस है जब तक गौ माता की आस नहीं टूटन दो और गौ माता का जीवन में हूँ मारे जब तक जीवन है कल्याण है जब तक मारो जीवन की आस्था है जब तक मैं गाय निमित्र में हमेशा भी आ जाऊँ। तो मारो निवेदन है आप लोगों ने हाथ जोड़न व्यासपीठ चित्र को कि मारी व्यासपीठ रे माते किन्हीं भी प्रकार रो कोई दान पुण्य मैंने कदे ही आवश्यकता नहीं पड़े ना मैंने गायन वास्ते दान पुण्य मैं मांगू था बिल्कुल मांग मांग ले लेकिन वो सब लेनो देनो करनो सब नीचे आपकी कॉलोनी का आदमी अबार सामरा एक मीटिंग रहा था कॉलोनी एक दो बड़ा बुजुर्ग ने कहवा रसीद काटने की व्यवस्था करा सब कुछ करा लेकिन लेना देना सब कुछ नीचे मारा मंच माते किन्हीं भी प्रकार रो कोई एक पैसा री कोई
दान लेवन कठे भी कोई आवश्यकता नहीं पड़े, ताकि आप लोगों ने भागवत कथा सुनना आनंद आई और मैं अच्छा अगर भागवत मंच माते एफआईआर टका लेवनो काम करूं तो मारा में लोभ घुस जाए, और मैं नहीं चाहूं कि भागवत कई इंसान ने लोभ लालच सिखावे, मैं नहीं चाहूं कि भागवत नाम मैं लोग किसी भी प्रकार रो कोई लोभ लालच रो दंड करा, एक ही लोभ रखा कि गाय की सेवा की कर वे और अपा अपना धर्म ने की कर बचावा, अपनी संस्कृति ने की कर बचावा और गौ माता प्रति अपनी भावना है, बात दुनिया में की कर लोगों ने बतावा कि गाय माणी माता है और इन गाय की सेवा के वास्ते मैं लोग कुछ भी कर सका वो अपने मन में हमेशा रहे वाला। पंडित जी निवेदन करो कि आरती करो और आरती करियार बाद आरती पापियों को पाप से है पारती, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला, पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जब महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती, शांति की पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती, ओ ये मधुर बोल भगवंत को धन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल मधुपंथ कौल संग मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी तो बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सिरिया देव माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी संत महात्माओं की जय, गो माता की जय। होने भी चाहिए मार माते तो आपरे एक मिनट अच्छे बता रहे ऋषि राज जी महाराज की कृपा हमेशा बनी रही रहे, आप बड़ी कृपा करी के बहुत जल्दी मने आशीर्वाद देने आप पधार गया ऋषि राज जी, गायार वास्ते भाव है गौ माता वास्ते आप लोगों की कॉलोनी में हाजिरी दी हुई हूँ, तो आप सब ने व्यासपीठ चित्र को बहुत बहुत साधुवाद दूँ बड़े स्वागत दूँ, और आप सब रो एक ही शब्द में आप सब रो स्वागत कर लूँ कि इन भागवत कथारो उद्देश्य शिव और शिव गाय है। आज की कथा शुरू करा उन्होंने पहली आपने ध्यान है कि कोई भी बात करा उन्होंने पहली शुभ कामर में अपन गजानन जी महाराज ने मनावना पड़े, तो बाकी बात हम सब पचे करोला
और पहले आप गजानन जी महाराज ने मना वाला। आइए, बहुत स्वागत है आपका व्यासपीठ की तरफ से, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत हाँ हाँ पैरों बिल्कुल स्वागत करो हमारे राजेश जी। रुको, क्या बात है, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत साधु आनंद। बरसात कर दो थे, कर दो बरसात, आने दो बरसात। मैं पंडित जी महाराज ने निवेदन करूं हेमंत भाई ने कि अपने व्यासपीठ रो कायदो रो पालन कर और आप पधारे वड़ा मेहमान रो इच्छा ऋषा जी महाराज श्री ने सब पेराई और मेरा स्वागत करो क्योंकि वो मा तो सापार योग्य है। बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है, और साथ मैं आपने निवेदन करूं कि एक साप आपने भी पेराए दो ताकि आप मार मंच मत आया हो। आप रो बहुत बहुत साधुवाद करो, बहुत स्वागत करो, वंदन करो और अभिनंदन करो। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद, आप बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन बिराज। जब तक हमारी जानकारी है बिराज जनन जी बना नाची देव को नहीं देव जन भी नो पेट पड़े लेकिन अटे नाचे यार बादरे में पैसो है जो को गाय रही आजी गजानन दी आवो जी हे मारी सभा में रंगी परसावो जी महाराज सुतारा आवो जी रे मारी सभा में रंगी परसावो जी महाराज विनायक सेवा करते रहे। ये जो भी वाणी के पैसे आ रहे हैं सारी स्पेटिंग जाएंगे तो सभी आप आवाणी करें गो माता के लिए। क्या बात है, और ये तो पार्वती के पुत्र कही जो Thank you.
सभा में लगी परसाओ जी महाराज सुनाए।